हेलो जी, वेलकम बैक। तो जी कल मौज मस्ती खूब हो गई स्नो में, अब आज बारी है सफाई करने की, स्नो हटाने की। 25 सेंटीमीटर तक स्नो पड़ चुकी है, देख रहे हो आप क्या हालत है यहाँ पे। हाँ, और कल टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गिरने वाला है, इसलिए आज ही सारी सफाई होनी बहुत जरूरी है। तो फिर अब आज हम निकालेंगे अपना स्नो ब्लोअर, अभी देखते हैं उसमें पेट्रोल है या नहीं है। अगर इस बार नहीं है, डिफरेंट तरीके से सफाई करेंगे, फावड़ा एंड ऑल दैट नहीं, फावड़ा नहीं, इस बार स्नो ब्लोअर। अब बस देखते हैं उसमें तेल कितना है, नहीं है तो फिर तेल लेके आते हैं, तेल भरते हैं उसमें, फिर चलाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। आइए फिर। देखें केनी में कुछ तेल बचा नहीं बचा, मुझे लगता नहीं इसमें कुछ खास तेल होगा, बिल्कुल इतना तेल है इसके अंदर। भाई इसमें तो इतना सही तेल था, कुछ लगता है बना नहीं, उससे जाना ही पड़ेगा लेने के लिए बाहर तेल। चलो फिर, बट उससे पहले ये गाड़ी साफ करनी पड़ेगी, निकालने से पहले, जाने से पहले। गाड़ी की हालत भी तो देखो। तो जी एक तो वैसे ही इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है, ऊपर से जब वो कहते हैं सरकार वाले आते हैं सफाई करने के लिए रोडों की, तो रोड सफाई कर गए, सफाई तो क्या होती है, वो साइड में फेंक जाते हैं, वो सारा यहाँ पे घर के बाहर इकट्ठा करके चले गए हैं। अब गाड़ी निकालनी है तेल भरवाने जाने के लिए, तो पहले ये साफ करो, नहीं तो गाड़ी निकालनी मुश्किल। सुनिए इतना ज्यादा पहाड़ बन चुका है, इसके साफ किए बिना गाड़ी नहीं निकलेगी। तो बाहर जाना है तेल लेने के लिए, पहले ये साफ करो, फिर गाड़ी निकालो, फिर तेल लेके आओ, और उसके बाद स्नो ब्लोअर चलाओ। उससे पहले गाड़ी भी तो साफ करो, बोला मैंने। या गाड़ी भी और ये भी, दोनों दोनों। इधर भी ये वाली भी। Happy belated birthday to you. Happy आने वाला birthday to you. जो स्लाइस निकालो खा भी लो, अभी खा लो प्लीज, खा लो। तो जब अपने एरिया से बाहर निकले हैं, बाहर मेन रोड पे थोड़ा आए हैं, तो ये बिल्कुल साफ है। सरकार एटलीस्ट ये चीज एकदम टाइम टू टाइम सफाई रखती है इन चीजों की, एटलीस्ट जो मेन रोड्स हैं वो साफ रहती हैं, वो ब्लॉक नहीं रहती। यहाँ पे ऐसा है इंडिया की तरह नहीं है कि आप किसी भी बोतल में अपना तेल भर के ले जाओ, यहाँ पे ये वाले कैंस होने जरूरी है अगर आपको तेल लेके जाना है। तो चलो इसको चालू करने से पहले ये गाड़ी हटेगी और इसकी स्नो साफ होगी, जो कि हमारा बंदा लगा हुआ है। हाँ जी साहब जी, ओहो हवा चल गई। देखो जी यहाँ पे सारी जम गई है आइस, और मेरे पैरों ने यहाँ पे स्लिप, गिर जाएंगे अब ना कर। तो ये बहुत टाइम से चालू करी नहीं है, मैं अभी भूल गया था कैसे करनी है चालू। अब देखें क्या क्या है यहाँ पे। एक तो है भाई ये ऑफ, इसको कर दिया ऑन पे, है क्या वो
दैट इज फॉर फ्यूल, फ्यूल कंट्रोल ऑन ऑफ। उसके बाद आता है चोक, अभी स्टार्ट पे करना है तो हमने कर दिया इधर, और सेट प्लीज। और उन्होंने कहा इस पे लिखा हुआ था कि जब चालू करनी हो, बहुत टाइम तक चालू ना करियो, तो इसको थोड़ा पंप करके, तेल थोड़ा पंप करना होता है अंदर। अब तो देखते हैं, तेल है। ये तेल है, ओ तेल टपक गया। चलो अब हम करेंगे इसको चालू। बाहर निकाल के ना करिए चालू, पहले अंदर तो कर लो चालू। ये हमने किया रन पे, अब देखते हैं क्या होता है। चालू तो हो गया है, शोर बहुत कर रहा है, तो अभी जरा थोड़ा साफ करता हूँ, उसके बाद फिर आपको बता दूँ इसके फंक्शनैलिटीज क्या क्या हैं। डायरेक्शन में जा रही है, सारी मेरे पर आ रही है वापस। तो जी आपने इसको एक्शन में देख लिया है। वैसे बता दूं मोटा मोटा इसमें क्या गया, चालू करने के बाद ये तो इसके गियर्स फॉरवर्ड वाले और रिवर्स वाले, रिवर्स में दो हैं, फॉरवर्ड में 6 तक है, ये वाले फॉरवर्ड में 6 तक हैं, रिवर्स में सिर्फ 2 हैं। उसके बाद जब गियर में डाला, गियर में डालने के बाद ये दबा देते हैं, ये इससे फिर आगे बढ़ता है, और ये लीवर है उसका वो चक्का चलाने के लिए, जो बर्फ़ काटता है, बर्फ काट के अंदर इससे बाहर निकालता है। बाकी जो ये लीवर है ये इसको घुमाने के लिए डायरेक्शन, क्योंकि वो किधर को फेंकनी है। ये वाला लीवर खींचने के बाद जब इसकी ये मोटर चलती है, इसका ये ब्लेड घूमता है, ब्लेड घूम के बर्फ़ काटता है, बर्फ़ काट के यहाँ से अंदर की तरफ जाती है, और यही अंदर इसको बाहर, इसके थ्रू बाहर फेंक देता है यहाँ से। बस मोटा मोटा यही है, यहाँ से तेल डालते हैं, बस ऐसे चलाते हैं हम स्नो ब्लोअर अपना। स्नो ब्लोअर के बाद भी ऐसा होता है, स्नो ब्लोअर के बाद भी इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्नो ब्लोअर ये की बिल्कुल तले से साफ नहीं करता, वो ऑप्शन होती है उसको थोड़ा ऊपर से उठाने की, पर अगर तो बिल्कुल ताजी ताजी स्नो पड़ी हो फिर तो वो कर देगा बिल्कुल साफ, पर जैसे हमने कल छोड़ दी ऐसे ही तो नीचे थोड़ी थोड़ी जम गई, तो वो उससे निकली नहीं, तो वो निकालने का तरीका यही होता है। इसके बाद फिर हम डालेंगे आइस, ताकि यहाँ बर्फ, आइस नहीं सॉल्ट, ओ सॉरी सॉल्ट, ताकि आइस ना जमे। अच्छा वर्कआउट हो गया आज सनी, आज लगता है कल से भी ज्यादा वाला बढ़िया मामला हो गया। वहाँ टीडी अपना इंडिया में जिम लगा रहा पराग के साथ, मैं यहाँ बर्फ के साथ।
चलो नेक्स्ट वन इज डन। देखिए जैसे यहाँ पे डाला था जहां जहाँ पे सॉल्ट, उसके आजू बाजू आइस पिघलनी शुरू हो गई है। हाँ। ये जैसे देखा इसके आसपास हो गया शुरू पिघलना, ये आसपास सब पिघलना शुरू हो चुका है। एंटर बटन दबाओ। माता जी ने सरप्राइज देता। बर्फ में बहुत सारा काम। पिछली बार जब हमने स्नो साफ करी थी ना तब मम्मी को कहा था पकौड़े, मम्मी ने तब से याद रखा हुआ है पकौड़े। कमाल करता। तो बहुत 3 घंटे लग गए शायद। हाँ। तुम्हें अगर थर रहे होंगे बच्चे। बहुत टाइम हो गया। चलो भाई ये तो था गरम गरम पकौड़े। इसमें मम्मी इसमें भी बना के देखते हैं एयर फ्रायर में। हाँ चलो करके देख लो। रखो इसको इसके अंदर। बड़ा तेल वाला काम कर रही पंगे नाए लो। मम्मी गर्म है। तो जी अब इतनी मेहनत करी तो थोड़ा तो अनहेल्दी बनता है। बाकी ये था कि कहते हैं कल हमने मस्ती ली बर्फ से, आज बर्फ ने हमारे से मस्ती ले ली। एटलीस्ट हो गई सफाई हो गई और आपने भी देख लिया स्नो ग्लोब कैसे लाते हैं। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम खाते हैं पकौड़े।